लासा की ओर बाय राहुल सांकृत्यान। वो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फ्री कलितपोर का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मथकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वो दोनों चिटे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहां भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छठ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहां लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार जीभ निकाल, कुची कुची, दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं दो क्विकस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वो और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया।
आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगनकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूं डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लंगनकोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुपा मिला। अब हम तिड़ी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिड़ी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिड़ी में भी थे, लेकिन वो एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हरेक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगाड़ में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्धवचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वही लगा। वो बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वो उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।